उत्तर प्रदेश सरकार पर यह कलंक है। आईडी नीचे करो, आईडी नीचे करो। निश्चित रूप से जब घटना हुई थी, घटना में जो लोग दोषी थे, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो 2 महीने के अंतर में वो कैसे छूट गए। सरकार का अपराधियों के प्रति संरक्षण प्राप्त है। दुष्कर्म की घटनाएं जिस तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में सामने आ रही हैं, अरे यार ये हाथ कोई पता नहीं कौन है, शर्मसार हुआ है। मुख्यमंत्री जी केवल भाषण और बयानों पर विश्वास रखते हैं। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि कल इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री ने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश अब अपराध बहुत कम हो रहे हैं और अपराध का ग्राफ गिरा है। मुख्यमंत्री जी ने भी कल भाषणों में कहा था कि अपराध, महिलाओं पर अपराध का ग्राफ 28% से 28% नीचे गिरा। अगर अपराध गिरा है तो उन्नाव की बेटी को कैसे जिंदा जलाने का दुस्साहस किया। मिर्जापुर की घटना, मैनपुरी की घटना, और रोज दिन पर दिन जिस तरह महिलाओं के साथ घटना हो रही है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का पोल खोलने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी, आपसे अब प्रदेश नहीं संभल पाएगा। गोरखपुर जाइए, गोरखपुर आपका इंतजार कर रहा है। कांग्रेस पार्टी इस विषय और मुद्दों को लेकर लगातार महिलाओं की सुरक्षा के प्रति, बेटियों के प्रति, बहनों के प्रति बहुत मजबूती के साथ सड़कों पर संघर्ष कर रही है।